हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जब आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एलडीसी स्टेनो एमटीएस का नोटिफिकेशन भरने जा रहे हैं। तो जी हाँ, देखिए फॉर्म भरना तो टोटली आपकी डिस्क्रिशन है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम क्लियर हो पाएंगे कि क्या ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना वर्थ इट होगा भी या नहीं। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं कि जैसे एसएससी, आपका यूपीएससी और आपका ईपीएफओ, ये सारे जो हैं आपके एग्ज़ाम जो हैं ऑनलाइन कंडक्ट या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऐसा नहीं है। आपको जाके इनका जो ऑफिस है वहाँ जाके इनका फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। जी हाँ, फॉर्म सबमिट करना होगा विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है, आपको अपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, उसकी फ़ोटोकॉपी करनी है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिखना और फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना है इनके ऑफिस में। तो ऑफलाइन मोड में हो गया। और फिर अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बाय पोस्ट इनके ऑफिस में पहुंचाना होगा। और ऑफिस में पहुंचाने की क्या डेट है, वो है आपकी 31 मई। जी हाँ, 31 मई से पहले आपका जो पोस्ट है वो पहुंच जाना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचता तो आप एक वैसे ही इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो गाइज, ये हो गया ऑफलाइन मोड है। और उसके बाद पेपर और सिलेबस एज सच अभी तक क्लियर कट नहीं बताया गया है। जी हाँ, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या होता है कि हमेशा सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया जाता है कि ये फॉर्म है, ये इतना आपका पैटर्न ऐसा होगा, प्री में ये पूछेंगे, मेंस में ये पूछेंगे। अभी तक जेएमआई की तरफ से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें पेपर सिलेबस नहीं बताया गया और ना ही पैटर्न बताया गया है कि कैसा पैटर्न कंडक्ट करवाया जाएगा। तो गाइज़, ये दो पॉइंट्स हो गए, आपको माइंड में अपने रखने हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन में है, फिर उसके बाद पेपर और सिलेबस पैटर्न डिसाइड नहीं है। और उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज, यही वैकेंसी नोटिफिकेशन ना आपके प्रीवियस ईयर में भी आया था और कैंसिल हो गया था। जी हाँ, कैंसिल हो गया था। और उसके बाद 2017 में आया था, ये आपका 18 में आया था, 19 में आया था, 22 में आया था और इस बार 23 में तो आया ही है। तो गाइज, इतने सालों से यही पेपर सेम नोटिफिकेशन, कभी अलग नोटिफिकेशन के तहत आता है, किसी अलग नोटिफिकेशन, लेकिन वैकेंसीज इतनी ही रहती हैं। तो अभी तक पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 years। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका एक, उसके बाद आपको ऑफिस में जाके सबमिट करना है। अब देखिए, जो दिल्ली के लिए अंदर हैं उन लोगों के लिए तो ये समझ आता है कि दिल्ली के अंदर आप सबमिट करके कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली से बाहर हैं उन लोगों के लिए सबमिट करना सबसे बड़ी बात बाय पोस्ट। और पोस्ट में कम से कम, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो मैं मान के चलूँ 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो आपको सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद भी अगर वो फॉर्म नहीं पहुँच पाएगा और रिसीविंग नहीं ले पाएंगे आप, तो क्या वर्थ इट होगा आपके लिए ये फॉर्म भरना, बाकी आपकी मर्जी है। गाइज, देखिए ये सोलली आपका डिस्क्रिप्शन है, मेरा बस आपसे है कि पॉइंट्स क्लेरिफाई कर दूं कि इतने में अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम भरते हैं और जो ऑनलाइन मेथड से होता है, जिसका पैटर्न डिसाइडेड होता है, सिलेबस डिसाइडेड होता है, तो क्या वो वर्थ इट नहीं होगा, बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन है। और एक और चीज़, फीस जो है बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, SSC में 100 रुपये है, UPSC में 100 रुपये है और UPPSC में भी सेम एज सच इसी लेवल की फ़ीस रहती है, 125 रुपये है आपकी UPPSC में। तो गाइस, क्या इतनी फ़ीस देना ऐसे आपके ऑफलाइन मेथड पे जिसका पैटर्न डिसाइडेड नहीं है, आपका वर्थ इट होगा? तो इतनी चीज़ें मेरे आपसे शेयर करने का यही एम था कि आपके मन में क्लैरिटी हो जाए कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपसे आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा ऐसा ही गाइडेंस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।